प्रधान जी 26-27 दिन आपका धरना चल रहा है, एक बार मुख्य मांग बता दो आपकी, जो सबसे बड़ी मांग है। मेन मुख्य बात तो आज की फिलहाल की है, राखी का जो मामला है हमारा, राखी इसकी शुरुआत को करो। इसकी शुरुआत ही हुई थी आज से लगभग पाँच साल पहले। डैक बिल्कुल ओवरफ्लो हो गए थे जी। दो तीन बार गांव वाली कमेटी प्रशासन से मिले, मैनेजमेंट से मिले, गुहार लगाई, लेकिन इस पर कोई इलाज नहीं हुआ। इन पर पर्यावरण वाली बोर्ड पर भी यहाँ चेकिंग करके गए थे, मंडी वाले साथियों ने व्यापारी भाइयों ने मुख लगा दिया उड़े इनकी एप्लीकेशन, तो वो पर्यावरण वाले आए, गांव वाले भी बुलाए, अन्न सर्वे करवा, इनका दो बार इनका पलंटी लगी 15-15 लाख रुपए जी। तो उसके बाद फिर इनका थोड़ी सी जागृति जो हुई, वह गाँव वाले की मदद ले, वहाँ गाँव वाले बुलाए इन्हें, बुला के बोला जी आप गाँव सहयोग करो, राखी का कोई भी बंदोबस्त अकेले हम नहीं कर पा रहे। गाँव वाले ने फिर मीटिंग करके पूछा फिर गाँव की क्या मदद कर सकते हो, बोला जी जो आप गांव निर्णय लोगे आप इसका सहयोग करो, उठाना में हमारी मदद करो। गांव वाले ने फिर चंदा इकट्ठा करके मशीन लगाई, वहाँ उठाना शुरू कराया और गांव गुआंड के नज़दीक तो पहला दिया उसे टाइम नहीं, बाद में बनाई है, वह बताऊँगा मैं। उठाना शुरू कराया, उससे जो आमदनी शुरू हुई, फिर मीटिंग हुई गाँव की, भाई आप इस पीछे ने कहा कैसे यूज करा, तो आवारा पशु बहुत ज़्यादा हो रहे थे गाँव में। वैसे तो फसल की टाइम पर हर गांव में मुहिम है किसान अपनी फसल बचाने के लिए, इधर उधर हमारा पशुओं को कोई किसी गांव में छोड़ दिया, कोई बीड़ में छोड़ दिया, कोई बढ़िया, हमारा प्लांट की वजह से ज़्यादा है कि क्योंकि वह चेयर दुआरी है, इसके सहारा गाड़ी खड़ी करे हर तार जी, वो दिन में फिर अगले दिन गाँव में आए बड़े। तो फिर निर्णय ले लिया कमेटी ने, गाँव राम ने इकट्ठे हो गया, भाई आप हमारा पशु इतने ज़्यादा हो रहे हैं, आपस में किसानों का भी जुद बदना शुरू हो गया था, भाई मेरे खेत में बैठ दिए तो मैं पराने को नहीं करे, इन्होंने क्यों कर दिए, तो इस वजह से फिर निर्णय लिया गया बस जो राखी की आमदन जो हो रही है वो अपना गौशाला स्थापित कर लियो और पूरा अपना लगावांगे। फिर गौशाला की स्थापना कर ली और वो पैसा यहाँ यूज कराने लग गया, कमेटी बना दी, रजिस्टर्ड गौशाला है और इतना बढ़िया सिस्टम है गौशाला का, आपने शायद विजिट कर भी ली होगी, और जो साथी नहीं गया है आज दिखाना उनको। सोनू भाई तो बात राखी के शुरुआत हो ही गौशाला की, नहीं तो हमें पहले क्या क्रिया करते, गौशाला नहीं थी उस टाइम तक, हम फसल की टाइम पर जो डांगर होते 50-20-40-50 जो भी वो इकट्ठे करके कहीं दूसरी गौशाला में चंदा सहयोग कर आंदे उन्होंने ऑर्डर भेज दिया करते। तो बलराम जी जिस तरीके का अपना गौशाला खोल ली, ईब दिक्कत कड़ाई धरना क्यों धरना पड़े? ईब दिक्कत ही आई, वो आमदनी जो आने लग रही थी उससे विकास गौशालाओं का जो अपना काम शुरू हो गया बढ़िया। ईब सरकार ने मैनेजमेंट ने क्या सोचा भाई वो काम दाम इनका बंद करा, इनका राखी फ्री ऑफ कॉस्ट होया करती, पहुँच इन देनी पड़िया करती, ईब इसमें बिरानी ईशा खेती किया इन पर सरकार भाई इसे पर डिपेंड होगी, भैया तो बेचागे और बेचोगे तो फिर हमारा काम बंद हो जाएगा। गौशाला 1000 तो ऊपर गऊ है बेचारी, उनका और कोई दूसरा कोई चारा नहीं, बस जमीन नहीं गौशाला का ना कुछ और। तो फिर या मोहब्बत इसलिए आई भाई उन्होंने इसका गेट का ताला लगवा दिया और हम तो मेरा बेटा बाद में कमेटी की राय कहीं नहीं ली, भाई कोई ठीक है कहीं भी से कोई भी मैनेजमेंट के पास लेटर भी आ जाए और भी आ जाए कोई पॉलिसी बन जाए, लेकिन गाँव की राय तो लेनी थी जी। उस दिन तो काम गिराया बिना इसका कोई समाधान को नहीं होया, फिर फंसवा दिए जब गौशाला बनवाई दी, ईब गऊ ने मालन की मुहिम शुरू कर दी, तो गांव राम 36 बरादरी और भी अपना गुआंढी है जो साथी है दूसरे गांव से, गौशाला कमेटी या खाप पंचायतें किसान संगठन बार बार यहाँ अपने समर्थन सहयोग दे के जाओ है। जब राखी इनके अड़ रही थी और इसकी कोई समाधान नहीं मिल रहा था थर्मल ने, तो गांव जब बुलाया तो लिख लिखा या फिर कोई एग्रीमेंट वगैरह होया था प्रधान? नहीं एग्रीमेंट नहीं होया क्योंकि गांव राम तो आपने पता है अभी विश्वास पर चलते हैं बातें अपने जो सामाजिक सिस्टम में, ये भी इन बातों का उस टाइम पर अगर कोई एग्रीमेंट वगैरह मांगते तो शायद इनके उस टाइम पर तो इतनी घुंडी थी भैया कुछ ना कुछ कीमत कर दे भी जरूर। तो उस टाइम पर गलती बड़ी बड़ी है गांव तय कि एग्रीमेंट नहीं करवाया गया और इतना बड़ा फैसला लिया और गांव ने इतना ज़्यादा खर्चा उठा लिया कि आज मुसीबत आएगी है गांव पर भी। नहीं कमी रही है मान लो, लेकिन
को कानून की प्रक्रिया भी हो उस सिस्टम में, कहीं ना कहीं विश्वास पर भी बात चल रही है। परसों आपकी मीटिंग थी दुष्यंत चौटाला जी के साथ और कल शायद मुख्यमंत्री के साथ भी आपकी मीटिंग हुई है, तो उस मीटिंग में आप मतलब कोई मौजूद था? हाँ मैं जा रहा था साथ में। कुछ बात हुई वहाँ परसों 11 बजे, 11:30 बजे करीब 48 नंबर कोठी जो डिप्टी सी एम के पास है चंडीगढ़, वहाँ हम राज्य मंत्री दुष्यंत से मीटिंग हुई हमारी। उनने बिल्कुल सकारात्मक बात करी, भाई मेरा महकमा तो है नहीं लेकिन मैं सीएम साहब की मीटिंग में जाऊंगा, सीएम साहब से भी बात करूंगा इस मुद्दे पे। पीके दास जी चीफ सेक्रेटरी इस डिपार्टमेंट के, उसको पहले मैंने बोल भी दिया था फ़ोन पर, तो आज मैं नहीं मिलूंगा और मंत्री जी से भी बात करूंगा जिसका डिपार्टमेंट है, यानी कि चौधरी रणजीत सिंह। तो फिर मीटिंग के बाद बोला 5 बजे के करीब लगभग ख़त्म होगी, उसके मैं अपना मैसेज दे दूँगा जो भी बात होगी। तो मैसेज उनका तो आया फिर 6-7 बजे, लेकिन हमें 5 बजे 5:30 बजे चौधरी रणजीत सिंह की कोठी पर बुला लिए थे। वहाँ से फ़ोन आ गया था भाई आप चंडीगढ़ हो, वहाँ जी चंडीगढ़ आ रहे हैं, हम बोला तो फिर कोठी पर आओ, चौधरी जो मंत्री जी बुला रहे हैं। परसों शाम ना फिर 6 बजे से 7:30 बजे 8 बजे तक 1.5-2 घंटे उनसे बात हुई रणजीत सिंह के साथ मंत्री जी रणजीत सिंह के साथ। तो बातें चलती रही, उनने फिर बोला बस कल 10:30 बजे मैं पीके दास जी जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा और एमडी डिपार्टमेंट के जो एमडी साहब है उनको यहीं बुलाऊंगा और आपकी यहाँ मीटिंग कराऊंगा। तो कल उनने 11 बजे करीब फिर हमारी कोठी में मीटिंग कराई, सभी बातों में चर्चा हुई खुल के, उन्होंने बोल भी दिया चलो सारी बातें करनी पड़ती है, कोई नरमाई कोई गरमाई, लेकिन बातों से हल होता ही तो अपन पता है। बोल दिया था चीफ सेक्रेटरी को वहाँ जी देख लो राखी तो उठ नहीं पाएगी बिल्कुल, गांव का सहयोग बिना आप कुछ नहीं कर सकते और आपका सहयोग बिना गाड़ी हमारी भी चलानी मुश्किल है, क्योंकि जब धक्का करांगे नहीं उनको चलान काट दिया किसी गाड़ी वाला, क्यों आजकल नियम भी से कर रहे हैं 50,000 का चलान काटा है गाड़ी, जब मान के गाँव के भाइयों की भरवा हुआ तो उसमें फिर उनका मतलब सहयोग के कुछ फैसला है मीटिंग में। फैसला फिर ऊपर सारे मुद्दों पर चर्चा हुई कि उन्होंने 2-3 दिन का टाइम मांगा फिर। अच्छा भाई सीएम साहब से हमारी मीटिंग हुई नहीं फिर, वो बोले जी सीएम की मीटिंग में हमें बात रखा है सारी, जो भी हमने लिखित में उनको मांग पत्र भी दिया है, बात भी हुई है, हर मुद्दे पर चर्चा हुई है, तो उन्होंने 2-3 दिन का टाइम मांगा है। जो रणजीत सिंह जी ने एक बात कही थी कि राखी तो गौशाला नहीं चलिया करती, जिस बयान पर आपत्ति जताई थी गांव वाले ने, पूरा गांव वाले ने, हाँ हाँ परसों हमारे थे, तो उस बयान पर चर्चा हुई कुछ, क्या अपना ये बयान दिया था? वो उस बयान पर चर्चा हुई बिल्कुल, इस बात पर भी बोला जी आपने इस बात का गलत संदेश जाता है कोई भी है, बोला चलो इस हार की बात थी हुआ तो मेरा अलग मामला है, यहाँ की बात अलग है, वो जो कुछ बोला जाता है बोला जी उस टाइम पर मैंने किया था, मैं इस बात के लिए सकारात्मक सिस्टम में आ रहा हूँ, मैं कोशिश करके सोल्यूशन की तरफ भाई कोशिश कराऊंगा भाई इसका समाधान हो जाए। तो जिस टाइम थर्मल खुलिया गांव वालों का कहना ये है, कुछ भाई लिखित में जिस तरीके से पेज भी ले रहे हैं कि 2007 में थर्मल का जिस टाइम उद्घाटन होया उस टाइम जो सरकार ने आश्वासन दिया था कि भाई तारी ये मांग माननी जाओगी सरकार की तरफ से यू सहयोग दिया जाऊगा, उन पर सरकार आज तक भी खरी नहीं उतरी है, चाहे पानी की बात हो, चाहे 10 किलोमीटर के अंडर में 16-17 गाँव है फ्री बिजली की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, तो के उस टाइम पर सरकार ने आश्वासन दिया था एक बार बताओ आप। ये देखो आप उनसे बोलिए थोड़े बताओ, इसके अंदर है कि सीएम की घोषणाएं 79% की बात है ये साथ में बताइए 2010 ठीक है, उस टाइम 749 परिवारों को सरकारी नौकरी मिलनी थी। 749 परिवार वो है जिनकी जमीन आई थी बिल्कुल, वो है जिनकी खाते हैं प्लांट के अंदर चेक पे जिस पे पैसे आए थे 749 चेक आए थे, लेकिन यहाँ पर नौकरियाँ दी गई सिर्फ 130 ही, बाकी आप अंदाज़ा लगा लो 619 बच्चे आज भी वंचित हैं। अच्छा। और कुछ ज़मीनें ऐसी हैं जिसकी आधा किला गया है, जिसके मान ले एक लार गई है, थोड़ा टुकड़ा गया है, ऐसे भी काफ़ी परिवार है जो आज भी वंचित है। और रही थी 24 घंटे बिजली की बात, ये बिल्कुल आप देख सकते हो खेदड़ को गांव और 24 घंटे बिजली, ये 2010 की है ठीक है, 18 गांव को 24 घंटे बिजली और वो भी फरी खेदड़ को, खेदड़ को यहाँ से प्लांट से डायरेक्ट बिजली दी जाएगी, यहाँ पर 1 घंटा बिजली नहीं रहती पूरा दिन, बड़ी शर्म की बात है। तो 2010 2022 करीब 12 साल 12 साल से
जितनी भी आ रही वो फ्री है या अपना बिल भरने पड़े हैं? बिल भरने पड़े बिल्कुल, कनेक्शन काटते नहीं और बहुत ज्यादा आ रहे हैं, दो दो लाख बिल आ रहे हैं, गरीब आदमी क्या चाहिए। मतलब पूरा गांव राम इकट्ठा है, सरकार तो बात रखी नहीं भाई, पता अखबार की कटी। हमारी बात हुई थी पहले, हमने रोड जाम किया इस टाइम, उस टाइम प्लांट के प्रशासन थे SDM साहब, तो उन्होंने इस टाइम कहा था कि हम MD से आपकी मुलाकात कराएंगे और आपके गांव को 24 घंटे बिजली फ्री उपलब्ध करवाएंगे। कोर्ट में केस भी चल रहा है, लेकिन आज तक कुछ नहीं है साहब, झूठे आश्वासन देते प्लांट से और प्रशासन से भी झूठा आश्वासन है। हमने पानी के लिए अथॉरिटी है गाँव के लिए, पानी के लिए इनको पानी देते हुए शर्म आ रही है। पीने का पानी या नहर का पानी? पीने के लिए गाँव को, भाई बड़ा गाँव है, 10,000 कम से कम वोट है, आप लगा लो आबादी कितनी होगी, और इतनी पानी की गर्मी के अंदर इतनी शॉर्टेज होती है भाई, यहाँ पर परमानेंट पानी का प्रबंध है, और कम से कम 5 दिन में गांव में घर के साथ पानी आता है, बताओ कैसे काम चलता है। इधर 24 घंटे पानी है, एक छोटा सा टुकड़ा पानी का देते हुए इनको शर्म आ रही, बड़ी शर्म की बात। और ये घोषणाएं है जो ये आज तक पूरी नहीं हो रही है, स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे, आप देख लो स्थानीय लोगों को रोजगार, जो हमारे बच्चे यहाँ पर अंदर लग रहे हैं, हम बार बार मीडिया के माध्यम से आपकी बात उठाते हैं, 7,000 रुपये में लग रहे हैं, उनको 5,000 रुपये दिए जाते, 2,000 रुपये अपना ठेकेदार अपनी जेब में डालता है। क्यों डाले ठेकेदार? तानाशाही है नहीं, सब सेटिंग है ऊपर से नीचे तक, क्यों अगर जो मना कर दे देने बाहर निकाल देते हैं, काटे भी हैं बिल्कुल, इस चीज का हमने बातचीत भी करी पहले प्रशासन से, लेकिन क्या के कुछ तो ठेकेदार जो लोकल है और भी है, सबकी साठगांठ है, अब हमने धरना लगाया, ठेकेदार कुछ लोकल भी है, कुछ बाहर के भी है, कुछ बाहर की कंपनियां है, सभी साठ गांठ मिले हुए हैं, ये JE है, JE SDO खुआ रहा है, SDO एक्शन को खुआ रहा है, एक्शन चीफ को खुआ रहा है, ऊपर से चीफ मंत्रियों को खिला रहे हैं, सब साठ गांठ। और इधर राखी में क्या खेल चल रहे हैं, राखी में यही तो खेल चल रहा है, यानी 4-5 मुद्दे ही से हैं जो आश्वासन दिया गया, सबूत के साथ आप ले रहे हैं, बिल्कुल भ्रष्टाचार हो गए, बिल्कुल भ्रष्टाचार करी है, हमारी एक नहीं सुनी, ना तो बिजली आंदी काम, ना पानी, ना बच्चों का रोजगार, 5,000 में मुहताज हो रहे हैं बच्चे, बच्चे पढ़ाने भी है, रोजी रोटी का भी सिस्टम सारा सारा चलाना, कैसे चलाओगे बताओ, और 11,000 देके फिर मिले इन्हें कितने, 6,500 रुपये, 7,000 रुपये आपकी मांग नहीं मानेंगे तो अपना लग गए, जब 12 साल तक तो सरकार कांग्रेस थी उस टाइम पर, 7 साल तक BJP एक तक नहीं मानेगी, तो बीच में 2 साल लाइट तो देगी जी, एक बार 2013-14 में, उसके बाद बिल इतने आए, लोग भरे नहीं सके, 3-4 गुना बिल आए, फिर इन्हें लाइट कट दी, हमारा गाँव 98% बिल भरा करता है, इन्हें बिल इतने तगड़े बिल दे दिए कि लोग भरा ही नहीं सके, उसके बाद फिर जो SDO आओ मड़ी गोली देवे 2,000 रुपये पर भरवा दे, अब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आज लोग हैं बिल ठीक नहीं होते, राखी में हराई राखी तो गौशाला का मुद्दा हो गया, तो हमने इस चीज़ पर दुखा पे कुछ भी नहीं मिला, अब राख थी कुरुड़ी ठावा इनकी, कुरुड़ी भी नहीं ठाण देते हैं, ऊँ तो कहें भावें हिंदू हाँ, बहू हमारी माता है, और अजंडा चलाओ ही है, और उग्र खेतर में ये कर रहे हैं, मतलब गौशाला का निवाड़ा छीन रहे हैं, बताओ हम दुखी होकर सारे मुद्दे चकाएंगे, जो सारे मुद्दे ही हल करवाएंगे, एक नहीं छोड़ते, चाहे हम ना मरना पड़े जो धरना। आपका क्या नाम जी? तो आप के कुछ कहना चाहोगे जो धरना चल रहा है लगातार? धरना जी 27 दिन से ही धरना चल रहा है, ये तो सरकार से भी काफ़ी बार मतलब 3-4 बारी मीटिंग है, उसकी है, और कल भी मिल के आए हैं, DC से मिले हैं, राज्य मंत्री अनुदान से, और चौधरी रणजीत सिंह से, इनसे आश्वासन दिया, वे 2 दिन का टाइम हो रहा है, और 2 दिन का टाइम नहीं मांग माननी चाहती तो गांव स्तर पर गौंड स्तर पर गौन को और इकट्ठे करांगे, कुछ न कुछ हमारी सारी मांगे मानी जावे, और इससे हमारा कोई आपके जो MLA अनूप धानक उनको ऊपर भी गांव वाले ने कई सवाल उठाए हैं कि भाई वोट लेने तो आ गया 2.5 साल में आया नहीं, और न्यू कहने लायक जब मैं तारा गांव का हूँ, यू मेरा गांव है, लेकिन 2 बार शायद उन तक पर्सनली आप मिले हो गांव के जाके, उनकी तरफ तो कोई मतलब पॉजिटिव जवाब नहीं आया, बस नहीं कह दिया भाई मेरे बस की बात नहीं,
तो आपके मालो एक एमएलए जो वोट देकर आप कुर्सी बैठा हो आवाज नहीं उठा रहे आपकी? काफ़ी बार हमें 3-4 बार मिलना हुआ है धरने के दौरान भी, तो काफ़ी आश्वासन भी दिए भाई मेरा जो उससे डिप्टी सीएम से सीएम से बातचीत करूंगा, बाकी हल कोई हो नहीं पाया। वैसे चल तो रही प्रक्रिया हम लग रहा है, राज्य मंत्री भी लग रहा है, कल भी बातचीत परसों भी बातचीत हुई थी, उसकी आश्वासन तो दिया है, बाकी देखो सरकार का दो तीन दिन में चुप जाए। 2-4 थे 6 थे 2 राखी मजदूर से थे सारे खेदड़ के थे जी, चार एक पावड़ा एक पावड़ा का था, एक पावड़ा का था, एक बिहार से था। खेदड़ के चार थे और एक जो बचा है जगदीप, वो एक वो भी खेदड़ का, खेदड़ का दो बड़े के तीन या चार तीन तो उस समय दो घोषणा दी सरकार की भाई 20 लाख रुपए और एक सरकारी और एक डीसी दोनों की बात हुई, 2.5 लाख रुपये मुआवजा है बाकी, भाई साहब 2.5 लाख दोनों में बाकी है, मुआवजा बाकी है, नौकरी तो कहाँ मिलेगी भाई साहब? नौकरी बाकी है, नौकरी 4 साल की बात होगी, 4 साल 10 मई 2018 तो इस 4 साल में जो नौकरी की बात हुई थी उस पर उस टाइम भी सरकार बीजेपी थी आज भी, तो आप उन नौकरियां लेकर किसी से मिले या नहीं मिले? काफी बार मिलना हुआ, किस किस से मिले? कृष्ण लाल पवार जी आए थे उस टाइम मौके पे, उस टाइम काफी बार मिलना हुआ, तो क्या अभी प्रोसेस में चल रहा है बातचीत, तो अभी तक तो कुछ हो ही नहीं, बाकी अभी एमडी साहब ने कल आश्वासन दिया है मतलब 4 बच्चों को डीसी रेट पे एसपीजी में हम ज्वाइनिंग कराएंगे, और 2.5 लाख रुपये की जो बचरी है डीसी एम से जो सरकारी नौकरी नहीं आ रही थी उस पर नहीं बोले कुछ? हाँ सरकारी नौकरी डीसी रेट। तो आपके मन हो देखो बहुत सारी चीज़ आप सबूत के साथ दिखाने लग रहे हो, चाहे नौकरी की बात हो चाहे पानी बिजली की बात हो, सारी चीज़ों की आप रखा 12 साल तक सरकार नकार रही है, तो के मन हो क्योंकि आपकी ज़मीन है, आपकी ज़मीन में थर्मल बनाया गया और आपकी मांग पूरी नहीं हो रही और जो आपने मांगी नहीं है सरकार ने खुद अपनी तरफ से दे दी, के मन हो इसमें पूरा? तो उनका गाँव वाला यही है, सारी युवा साथियों की भी यही डिमांड है भाई जल्द से जल्द, मतलब हर 749 चेक थे पर चेक वाई तो चलो नहीं हो सकता भाई, मतलब सारी कमेटी ने फैसला लिया है कम से कम जो बच्चे बच रहे हैं उनकी डीसी रेट पर तो कम से कम इनको ज्वाइनिंग करवाई जाए, चलो सरकार की पॉलिसी चेंज होगी अभी कौशल योजना के तहत जो करवाया जाए उसमें तो नहीं हो सकता, हमें भाई डीसी रेट नौकरी दिलाई जाएगी। ये धरना पर मतलब मुख्य मांग के आपकी सिर्फ राखी की मांग पूरी होंगे धरना उठ जाएगा गेट खुल जाएगा इसके साथ सारी मांग पूरी करवावा जी, गौशाला में एक मार तक मौका दिया है राम राम ने, जो सी मांग पूरी नहीं है रही है करनी उनकी उनने पूरी करवाएगा मानना, कौन सी इसके अलावा और कौन सी मांग है? इसके अलावा जी एक तो नौकरी की, दूसरे नंबर की मांग है जो राखी जो रह रहे हैं, हाँ जो चेक वाइज हाँ 719 रह रही हाँ वो 719 और जो से राखी में जुड़ से तीसरे नंबर पर जी उनना सरकारी नौकरी हम तो देख सरकारी की कह रहे हैं, बाकी डीसी रेट पे दे जो अभी गाम राम के कमेटी की सलाह है उनमें भी राजी हम तो, बाकी चौथी मांग से जी बिजली माम नाम नहीं 10 किलोमीटर का दायरा में जितना गांव आवा है सारे ने बिजली फ्री होनी चाहिए, और आप आके देख लियो जी हरियाणा का कोई भी मंत्री आके देख लेगा जिस दिन आंधी तूफान आवानी इस राखी दे कोयला दे अरे धूमा दे कितना गांव तंग हो रहा है मामने मुआवजा मिलना चाहिए। पहले स्कूल के बच्चे द्वारा भी आवाज उठाई गई थी, हमने देखा भी था कि रोड भी काला रहा करता नहीं उठा अगर मसो पतक चली जाए हाँ, फसल भी खराब है अगर भाई सब खराब हुई है ना, जो बाड़ी के पत्ते थे उसको ऊपर राख जम जा कर दी सोनू जी, ऐसा हम तो एक मांग इसमें छोड़ते हो नहीं सारी करवाओ सारी पूरी करवाओ, एक मांग कौन छोड़ते रहेगी तुम्हारी रहेगी कोई सुनाई धरना में बैठ गया हमने एक साल बैठना पड़े 2 साल बैठना कोई दिक्कत हाँ मैं और गर्मी भी सह लेंगे बरसात भी सह लेंगे सारे मौसम सह लेंगे लेकिन यह चीज को हमने कुछ भी नहीं मिला धरना तो कुछ फर्क पड़ रहा है थर्मल में कोई मतलब बात आ रही है सरकार के ऊपर कोई असर पड़ रहा हो ये तो इनका आगे बेरा पटाई महीने पास यार आकर ले जाएंगे बिल्कुल फर्क तो पड़ेगा थर्मल तो बंद हो जाएगा ये नहीं मानेंगे तो कवर फ्लो हो जाएगी ना वो कवर फ्लो हो जाएगी हर रोज की फ्लड डैमेज हो जाएगा अच्छा हां जहां पर फिलहाल धरना लग रहा है ना 25 लाख रुपए की हर रोज की आंगनी की और वो आंगनी रुकी जो लिक्विड जाया करती हां 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 और वो राखी उसमें डैक में गिरवाया नहीं लग रही फिलहाल पानी पानी के थ्रू आंधी और वो और फ्लो होएगी नहीं इन पर कुछ जरिया नहीं बचेगा कुछ भी जरिया नहीं बंद हो जाएगा अब तो जी अपना अपने विचार है हमारा तो धरना का पूरा ये विचार है एक मांग भी पेंडिंग को छोड़ सारी चीज ले आएंगे इतने ले आएंगे बार बार थोड़े राय लड़े जा रहे 10 की 10 मांग पूरी नहीं होती नहीं जब तक 10 की 10 मांगे हमारी पूरी नहीं होती 11 मांगे 11 पूरा समझौता होगा 11 मांग ही पूरी करवावांगे एक मांग 11 मांगे जो 11 मांगे एक मिनट जो काम रखना जी
पहली मांग है थर्मल पंड खेदर की राखी के उठाने कार्य गौशाला कमेटी करेगी। ठीक है। दूसरी मांग है थर्मल पंड हादसे में 6 लड़के हादसे शिकार हो गए हैं, इसमें 4 उसी समर्थक थे, 2 बुरी तरह पीड़ित थे और उन्हें परिवार की एक सरकारी नौकरी 2.5 लाख रुपये कंपेंसन अभी भी अधूरा जो पूरा नहीं हुआ। तीसरी मांग है जमीन अधिग्रहण में जो परिवार नौकरी से वंचित हो नौकरी दी जाए। चौथा वेस्ट पानी की निकासी के लिए ड्रेन का निर्माण किया जाए। वेस्ट पानी कौन सा? वेस्ट पानी है दो उसका जमीन खराब हो रही है ना, उसे बिजाई भी करनी है, ऊपर चौवाया गया जमीन खराब हो रही है, उसमें पेड़ पौधे लगाए लोग तो किमें लगाना किमें है कौन, वो भी कामयाब कौन, उसमें वो भी कामयाब कौन। और पांचवी मांग है खेदर गांव की जमीन पर थर्मल बना हुआ है, सभी ग्राम से प्रभावित है, इसलिए थर्मल खेदर में नौकरी के लिए खेदर गांव के युवाओं को प्राथमिकता दी जाए। पहले वो है गांव के युवा, उसके बाद बाहर के, जमीन खेदर की थी, बेरोजगारी खेदर में फैली है, तो जो गांव के युवा है ना सबसे पहले उनको नौकरी दी जाए। 75% वाली बात, बिल्कुल 75-90 करनी चाहिए, ठीक है ना। छठी है खेदर गांव और 10 किलोमीटर एरिया में 24 घंटे बिजली दी जाए और खेदर गांव को अलग से फीडर बनाकर थर्मल से फ्री बिजली दी जाए, अलग से फीडर करवाएगा स्पेशल इसको बिजली दे। छठी मांग, सातवीं मांग हमारी है थर्मल प्लांट के पानी के टैंक में गांव खेदर के दोनों जलघरों से स्थायी पानी के लिए पीने का पानी दिया जाए, पीना पानी दिया जाए इसमें, ठीक है। आठवीं मांग है थर्मल प्लांट खेदर के में चर्म रोग, एलर्जी, आंखों के रोग फैलते हैं, रोग इतने फैल रहे हैं डॉक्टर बन गए हमारे तो बरवाला की साथ में, ठीक है। चर्म रोग, एलर्जी, दाद वगैरह है, राखी से थर्मल प्लांट से धुएं से जो प्रदूषण फैल रहा है उससे छोटे बच्चों में बड़ा बुरा हाल हो रहा है, तो इस पर रोकथाम को कर लाएंगे, इस पर स्पिल बढ़ा रहा है और राखी का प्रबंध करो। आश्वासन दिया था, आश्वासन दे दिया है, आश्वासन बना के अगर आश्वासन समाधान करो उसका तो इसके लिए स्पिल बना जाए अलग से। नौवीं मांग है खेदर पंचायत डीएवी स्कूल के लिए जमीन देने के लिए तैयार है, खेदर गांव जो स्कूल थर्मल बनाए से गांव में है तो उसको जमीन देने के लिए तैयार है, खेदर को मना ही नहीं कर, ठीक है। हमारे बच्चे पढ़ ले डीएवी स्कूल के लिए बिल्डिंग थर्मल कॉलोनी से बाहर बनाया जाए ताकि आसपास के बच्चे पढ़ सके, इन्हें अंदर सिस्टम करेगा तो बाहर क्यों नहीं कर सकते, अंदर स्कूल की बात है, हाँ तो बाहर क्यों नहीं कर, जब गाँव खेदर जमीन देने लग रहा है, हरी जमीन देने लग रहा है, हाँ तो क्यों नहीं कर सकते हमें बाहर, आसपास के बच्चे गांव के बच्चे सारे पड़ोसी है उसमें। नौवीं मांग है, दसवीं मांग है खेदर थर्मल प्लांट के वेस्टेज पानी टैंक की लीकेज से सैकड़ों एकड़ जमीन कई किसानों की बर्बाद हो जाती है, इसे मुआवजा दिया जाए, कई के बेचारा 2 किले जिसमें पानी भर गया वो क्या करेगा, ना कोई मुआवजा ना कोई दाना होता, क्या करा बताओ आप, वो क्या करेगा, जमीन हुई खराब उसकी, तो इसके लिए उसको मुआवजा प्रबंध तो महीने थ्रू दे उसको, सच है भी ना जो प्रबंध बंद हो, ठीक है। गर्मी है थर्मल प्लांट की 4 दीवारी है ना उसके साथ को रोड निकला था, इन्ना जो मांग इन्ना आश्वासन ओटी थी ना जब थर्मल लग गया, वह मांगे हैं अलग से हमारी, कोई मांग को नहीं, जो गवर्नमेंट ने ओट रखी है वह मांग के एक बार बताइए। गर्मी मांग है जो थर्मल प्लांट की 4 दीवारी है ना उसके साथ को रोड निकला जाए, जो इसकी 4 दीवारी बनाई थी ना, 4 तरफ रास्ता है, इसका छोटा पंचायत का रास्ता है, इनने अब तो कुछ नहीं किया, यूं का यूं पड़ा है, रोड जोड़ता बनाना और क्या था जी, इनने तो ये मांग हमारी माननी चाहिए, दिक्कत नहीं आवे लोग, जो गवर्नमेंट ने आश्वासन दे रखा है ना वो आश्वासन पूरा करा जाए, हम तो विश्वास से बैठे हैं और विश्वास दिया तोड़, कुछ और कड़ा कदम भी उठाए इस प्रोग्राम की मांग थी, जो 5 साल का अरसा है जो बात बताई हमें गांव वाले इस बात में भूल सी नहीं रहे थे भाई, क्योंकि इनसे गौशाला काम चलने लग गया था, इस वजह से जो सोचा थे भाई यू पुन का काम होने लग रहा है, लेकिन इनने ये भी जहाँ शुरुआत कर दी नहीं, यू एक मान के चलो एक गांव जगा दिया है इनकी, अरे एकदम जो ये क्लास भाईचारा बना के जो बैठे है नहीं, ये जितनी मांगे है नहीं ये बिल्कुल फाइनल है, कितने दिन लगे जी सारी मनवाए के फिर अगले 11 मांग नहीं मानने के धरना नहीं, एक इंच भी पीछे नहीं, सारी जरूरी हमारी एक ये राखी तक उठा चल रही सारी मांग भूले बैठे थे, अब नहीं एक सारी मांग भूले बैठे छोटी जाओ सारी ने राखी ले ली, थैंक यू बात चर्चा हुई सारी, क्योंकि वहां मांग पत्र वहां दे के आए हैं, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी को दिया है, एमडी साहब ने पहले चीफ साहब के माध्यम से वहां पूछवा भी रखा था, हम भी दे के आए हैं कॉपी मंत्री जी को भी, उनको भी, अधिकारियों को भी, कई परिवार तो भाई साहब ऐसे हैं चर्चा हुई जिस टाइम प्लांट आया ना जिनकी जमीनें गई थी, कई परिवार तो ऐसे है भाई उनके
18 साल से कम उम्र के थे उनको रोजगार, ये कहा था कि सरकार ने जब भी ये 18 साल के हो गए ना इनको तुरंत प्रभाव से नौकरी दे देंगे। आज वे 20-20 साल के, 25-25 साल के, 30-30 के हो गए हैं, केस लड़ रहे हैं, वो पॉलिसी तोड़ दी सरकार ने आते ही। भाई उस टाइम तो ये कहा था कि भैया जब भी 18 साल के हो गए उसी टाइम में इनको प्रोटोकॉल ऐसा बना देंगे हम तुरंत नौकरी मिलेगी। लेकिन पॉलिसी तो वहीं रह रहे हैं जिस टाइम 18 के थे, उस टाइम भी 18 के थे वहीं रह रहे हैं आज तक। 18 होने में तो बात दूसरी है, जिस टाइम 18 के दिन जब थर्मल बनाया था वहीं बच्चे अब तक रह रहे हैं। इसमें तो सिवाय हमने जी बुराई के कुछ नहीं मिला, गाँव ने सिर्फ प्रदूषण रखी और मच्छर खाए गए, हमने कुछ नहीं मिला इसमें तक। बोले को नहीं, मारा अंदर हम गाँव में कुछ नहीं गया। लेकिन अब क्या गौशाला के ऊपर बात आएगी यार, राख उधर शर्मा दर्द बने भी थी, हमने ठान ला के हमने गौशाला खोली, आज इन्होंने दो पीछे बड़ा है तारी राख पे है या सरकार सारा सौदन बेचेगी या कुरड़ी भी बेचने लग रही सरकार, पूरा देश बेच दिया या राख पे भी इनकी निगाह होगी, राख भी सरकार बेचेगी। थर्मल की वजह तक घाटा आया जमा शुरू तो आज तक हमें देखते हैं आज तक पूरा घाटा आया और सारे मंत्री संतरिया ने एक बात कहो तो तुम्हारी मांग पूरी कर दो नहीं टंड डेर पैड़ी के लिए धर्म धर्म हमने कोई दुर्ख नहीं कर अड़े बीमार हो गए सारे आप बीमार अभी सांस चढ़ने लगे हम तो युवा हाँ रे स्कूल मैरी जानी साची बात बताई दीजिए कोई लगा निकलेगी सवेरे 4 बजे 5 बजे घूम जावे थोड़े धुआं पाओ है उल्टा कराना कपड़े काले हो जाए कपड़े काले बारिश हुआ तो समस्या कर दो आप उल्टे काले बच्चे तो समस्या दिखते ज्यादा है गवर्नमेंट ये तो स्वाभाविक बात है कि तीन अंदर चौथे कमरे में भी अगर रखी जाओ है नहीं तो बाहर तो प्रदूषण हो रहा है। स्टेडियम में तो होना है फिर बच्चे कहाँ खेल लगे कहाँ दौड़ लगाओगे। सरकार चाहो तो मतलब आपके सारे समाधान हो बिल्कुल आश्वासन नहीं रखा सरकार ने। सरकार की यार मांग उठी थी सरकार ने जिस दिन धर्म लाया मैं मान देवांगे ये जो अखबार ये सोनलाल भाई पढ़ा था नहीं ये जो कटिंग दिखाओ था ये उस टाइम की वो समय कटिंग है या वही हम नहीं को लिखी हाँ उस टाइम की है 2010 ये तो हम नहीं बोलता हुआ है सारी पेज हैं जी बिल्कुल एविडेंस के साथ कहूँ हमें सारी चीज़ उठी इन नौकरी की वोट रखी है जिसकी जमीन जितनी जाओगी नहीं वह उस हर घर पर नौकरी दी जाएगी या मांगे उस टाइम की मौके की घोषणा आ जाती है ये सारी काम कटिंग ले रहे हैं इकट्ठी कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के रोग मुख्यमंत्री ने बोल रही है बात मनमोहन सिंह ये जो भी कटिंग है उठाता ने बोली थी ये सारी 2010 में अच्छा हाँ उस टाइम की मांग उस टाइम की मांग है सारी बिजली की भी पानी की भी नौकरी की भी ये उस टाइम की बोल रही हुई सोनू भाई ये बूंदे बैठे थे सरकार ने जगाई थी उस टाइम प्लांट लाया सरकार ने खुद ने जगाया काम यू नहीं बूंदे बैठा था अगर यार आंखें चले